नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वास्तु में जो कबर्ड होता है, जिसको हम कपाट कहते हैं, अलमारी कहते हैं, अलमारी की जगह कहां पर होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जॉइंट फैमिली होती है या फिर बहुत रीजन से हमें एग्जैक्ट साउथ वेस्ट में बेडरूम नहीं मिलता है, या फिर हमें यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम मिलता है, या नॉर्थ ईस्ट में, या फिर अग्नेय कोण में भी बेडरूम मिलता है। तो ऐसे केस में हम कहाँ पर अलमारी रख सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर कहाँ पर रखते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है, ये भी बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे चैनल पर जो वास्तु का प्लेलिस्ट है उसको एक बार जरूर विजिट दीजिएगा। आपको आपके काम की बहुत सारी चीजें उसमें मिलेगी। तो हम देखते हैं कि अलमारी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, या फिर लॉकर, जहाँ पर हम कैश रखते हैं, या कुछ अपनी इम्पोर्टेंट चीजें जो वेल्थ रिलेटेड है, ये हम रखते हैं, तो ये कहाँ पर होना चाहिए। सबसे आइडियल पोजीशन जो है, हम सभी जानते हैं, अलमारी के लिए जो है, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट सबसे आइडियल पोजीशन है। यहाँ पर अगर आप अलमारी रखोगे तो आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आपका पैसा जो है आपके पास टिकेगा, उसको ग्रोथ मिलेगी। यहाँ पर पृथ्वी तत्व होता है, जिसकी वजह से आपका पैसा, पैसे को जड़त पर रहेगा, वो टिका रहेगा और वो बढ़ता रहेगा। इसलिए आपको साउथ वेस्ट इज फर्स्ट प्रेफरेंस, आपको अलमारी अगर रखनी है। साउथ वेस्ट में भी जब आप अलमारी रखोगे तो एग्जैक्ट इस कोन में नहीं रखना है, थोड़ा सा एक आप 4-5 इंच या जितना भी आपको पॉसिबल है डिस्टेंस छोड़ के आपको आगे वो अलमारी रखना है। अलमारी का मुख जो है वो हमेशा नॉर्थ यानी कि उत्तर की तरफ होना जरूरी है। यानी कि जब आप अलमारी ओपन करोगे तो आप यहाँ पर खड़े रहोगे, आपका मुख दक्षिण की तरफ होगा और अलमारी का जो है वो उत्तर की तरफ होगा। ऐसा अलमारी का मुख उत्तर की तरफ करके आपको रखना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, लोगों को लगता है उत्तर मुखी मतलब कि आप ओपन करते वक्त आपका मुख उत्तर में होना चाहिए तो अलमारी दक्षिण मुखी होगी, वैसा नहीं। आपको साउथ को उसकी पीठ लगा कर रखना है, साउथ की दीवार को, तो वो उत्तर की तरफ फेस करेगी अलमारी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, यहाँ पर अगर आप अलमारी रखते हो तो उसको मिरर नहीं होना चाहिए। अगर इस अलमारी को मिरर है तो वो आपको नैऋत्य कोण में मिरर नहीं होना चाहिए, वो आपको थोड़ा सा मेंटली इंस्टेबिलिटी देगी। इसके ऊपर रेमेडी ये है, या तो आप अगर बिना मिरर वाली अलमारी यूज कर सकते हो तो कृपया यूज कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, या फिर आप उसको कर्टन लगा दीजिए। कपाट यानी अलमारी के लिए, कबर्ड के लिए कर्टन आते हैं, वो कर्टन आप कवर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अलमारी जो है फर्स्ट प्रेफरेंस है, उसको मिरर नहीं होना चाहिए, यह आपको ध्यान में रखना है। यूज नहीं होगा, डोर तो क्लोज होगा ही इसका, उसके ऊपर आप कर्टन लगा दीजिए ताकि वो मिरर में किसी भी चीज का रिफ्लेक्शन या मिरर दिखना नहीं चाहिए। इस प्रकार से में आप रहते हो, लेकिन इस रूम के साउथ को लग के ही आपने यहाँ पर अलमारी रखी है तो भी चलता है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना है आपको, अगर आपके फ्लैट का नक्शा कुछ ऐसा है कि साउथ वेस्ट आपका ये डिस्टेंस कम है साउथ का, तो इस केस में क्या होता है, अगर ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस कम है तो ये जो रूम होती है इसका ये कोना अग्नि के तत्व में कवर होता है, तो उस केस में यहाँ पर अलमारी मत रखिए। अगर यहाँ पर आप डायरेक्शंस देख के देख सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये अगर अग्नि कोण में नहीं है ये कॉर्नर, तो आप यहाँ पर अलमारी रखिए, अदरवाइज यहाँ पर मत रखिए। अग्नि कोण में तो आपको अलमारी रखना निषिद्ध है, यहाँ पर अलमारी मत रखिए, आपके बहुत खर्चे बढ़ेंगे, हेल्थ रिलेटेड खर्चे बढ़ेंगे, पैसा आपके पास नहीं टिकेगा, तो आपको यहाँ पर अलमारी नहीं रखना है। अगर आपका बेडरूम यहाँ पर है, आपको किसने बताया कि आपका बेडरूम है अग्नेय कोण में, उसके नैऋत्य कोण में आप आपका कबर्ड रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा आपको नहीं करना है कि उस बेडरूम के नैऋत्य कोण में आपको ये नहीं रखना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि बहुत बार हम ऐसा रखते हैं, हमको लगता है रूम का साउथ वेस्ट है तो चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर यहाँ पे अग्नि तत्व आ रहा है तो आपको यहाँ पर अलमारी नहीं रखना है। आपका घर का कोई भी यहाँ पर हो, आप उनसे बात करके आपकी अलमारी इसी ही पोर्शन में रखिए, ये आपको अच्छा रहेगा।
उसके बाद में है नॉर्थ। नॉर्थ में हम जानते हैं कि यहाँ पर जो ऑर्नामेंट्स है, जो ज्वेलरी है, हम रख सकते हैं, ये कुबेर जी की दिशा है। लेकिन यहाँ पर रखते वक्त एक गलती होती है, लोग बहुत बार कबर्ड ऐसा रख देते हैं और उनको लगता है नॉर्थ में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो प्रॉब्लम फेस करना चालू करते हैं। उसका रीज़न ये है कि इस अलमारी का मुख जो है वो दक्षिण की तरफ हो गया है, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके अलमारी का मुख दक्षिण की तरफ है तो वो आपकी चीज़ें टिकने नहीं देगा। आपका अलमारी उत्तर में है फिर भी आपके पास चीज़ें नहीं टिकेगी, तो आपको गलती से भी अलमारी यहाँ पर नहीं रखना है दक्षिण की तरफ मुख करके। आपके पास में छोटा लॉकर है, आपको अगर वो नॉर्थ में रखना ही है तो आप पूरब की तरफ मुख करके रख सकते हो, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल है आप साउथ वेस्ट में उत्तर की तरफ मुख करके, उसको नैऋत्य में उत्तर की तरफ मुख करके रखिए, यह बढ़िया है। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मैंने इस रूम का बताया, यहाँ पर भी लोग यहाँ पर रख देते हैं। अब आप कहोगे यहाँ पर रखने से क्या होगा, तो यहाँ पर ये घर का ब्रह्म स्थान में आ सकता है। ब्रह्म स्थान में अगर वो अलमारी आ गया, आपने इस रूम के साउथ वेस्ट में अगर रख दिया और वो अलमारी अगर ब्रह्म स्थान में आ गई, तो वो फिर से आपके खर्चे बढ़ाने वाली है। तो ध्यान में रखना है कि इस रूम के साउथ वेस्ट में रखते वक्त आपको ध्यान रखना है ये ब्रह्म स्थान नहीं होना चाहिए। ये ध्यान में, बहुत बार ऐसा होता है हम सोचते हैं चलो इस रूम का साउथ वेस्ट है यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे आपको नहीं रखना है। नहीं तो हम देखते हैं चलो ये नॉर्थ का रूम है, इस नॉर्थ के रूम में नॉर्थ की तरफ मुख करके अलमारी यहाँ पे रख दो, अच्छा है, लेकिन वहां पर अगर ब्रह्म स्थान है तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, उससे आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। इसके बाद में है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में अलमारी हम इस दीवार को लगा कर रख सकते हैं, अगर आपको रखना है। आपके पास में साउथ वेस्ट का ऑप्शन है ही नहीं, अगर आपका यहाँ पे कोई भाई रहता है, ये रूम आपको मिला है, आप यहाँ पर साउथ के वॉल को लगा कर रख सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ इतने पोर्शन में आप रखिए, उसको फिर से ये ब्रह्म स्थान में मत आने दीजिए उस अलमारी को। अगर ये ब्रह्म स्थान में आ गई तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अगर आपको ऐसा रखना पॉसिबल नहीं है उत्तर की तरफ मुख करके, यहाँ पे भी समझो ऐसा कंडीशन है कि आप उत्तर की तरफ मुख नहीं कर सकते हो, देन ओनली अगर ऑप्शन नहीं है तो ही आप पूर्व की तरफ उसका मुख कीजिए अलमारी का, ये बात ध्यान में रखिए। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो ही आपको अलमारी का मुख पूर्व की तरफ आप कर सकते हो, ये हमेशा ध्यान में रखिए। आपके घर में जितनी भी अलमारी है आप ये फॉलो कर सकते हो कि कौन सी भी हो, कपड़े की हो, आपके कोई भी रैक हो, उनका मुख जो है, अब ये अगर आपका किचन है तो यहाँ पर रैक है तो ये आप उत्तर की तरफ मुख करके बनाइए, ना कि दक्षिण की तरफ मुख करके यहाँ पर बनाइए। आपको साउथ में ही वो बनाना है ताकि उसका मुख उत्तर की तरफ हो, या फिर यहाँ पर बनाइए जिससे पूर्व की तरफ उसका मुख हो सकता है। तो घर में जितने भी कबर्ड है, एक बात आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ध्यान में रखना है कि कबर्ड का मुख जो है फर्स्ट प्रेफरेंस उत्तर की तरफ होना जरूरी है, या फिर अगर वैसा पॉसिबल नहीं है तो ही उसका मुख आप पूर्व की तरफ कर सकते हो। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि पॉसिबल होता है कि उत्तर की तरफ करना है, लेकिन यहाँ पर हमने बेड रखा है, अभी मुंह करना, उसको कैसे मुंह करेंगे, क्या करेंगे, तो वो रख देते हैं अलमारी इधर। अगर आपको पॉसिबल है तो यहीं पे रखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नहीं तो आप सब कुछ वास्तु की तरफ, वास्तु के अनुरूप आपने अगर पूरा किया है और आप आपकी अलमारी को नैऋत्य कोण या वायु कोण में रख रहे हो, तो आपका पैसा बाहर जाने वाला है, घर में नहीं रहने वाला है, क्योंकि इस दिशा का ये तत्व है। अगर आप वस्तु गलत जगह पे रखोगे तो आपको रिजल्ट वही मिलेगा जो उस दिशा का तत्व है। ये एनर्जी है, यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है, ये एनर्जी बढ़ने से घर में आपको निगेटिव एनर्जी कम होगी। यहाँ पर जड़त्व है, पृथ्वी तत्व है, यहाँ पर आप हेवी करोगे तो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी। आपका कबर्ड यहाँ पे है तो उसको साउथ वेस्ट की एनर्जी मिलेगी जो कि आपको स्टेबिलिटी देगी, पृथ्वी तत्व की एनर्जी। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि घर में सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस है साउथ वेस्ट का कॉर्नर अलमारी रखने के लिए।
अगर आपका दूसरा कोई रूम मिला है तो आपको जैसे मैंने ये चीज़ें बताई है, ब्रह्मस्थान या कुछ और चीज़ें यहाँ पे आ रही है क्या, ये आपको ज़रूर चेक करना है। और ये चेक करके ही आपको ये कबर्ड का प्लेसमेंट रखना है वहाँ पर, ना कि अंदाजे से आपने रख दिया नहीं इस रूम का साउथ वेस्ट है, तो ऐसा मत कीजिए, इससे नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं कबर्ड के रिलेटेड जो मैंने आपको बताई है। आपका अलमारी, आपका लॉकर आप कहाँ पे रखोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। ऐसे ही एक वीडियो में आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंट्स, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप कहाँ पर रख सकते हो, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे चैनल में जो वास्तु का प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर एक बार विजिट दीजिएगा। आपके काम की बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेगी। धन्यवाद।